के दौरान जो हमारे लोगों ने शांति प्रिय प्रदर्शन किया था, उस शांति प्रिय प्रदर्शन के अंदर बहुत से असामाजिक तत्व जो सबको पता है, जिसमें राजा चौहान जैसे आदमी, जो ग्वालियर में, जो मेरठ के अंदर गुप्ता जैसे आदमी हमारे बीच में घुसाए, वे असामाजिक तत्व ज़्यादातर उनमें आरएसएस से संबंधित थे, या वो जो बदमाश गुंडे टाइप के आदमी हैं वो लोग इकट्ठे होकर के हमारे आंदोलन के बीच में भेज दिए गए, और उन आदमियों ने आकर के उधम मचाया, ईंट पत्थर फेंके, पुलिस को उकसाया, और वहाँ पर ये मार धाड़ और जो दंगे फिसाद होने शुरू हो गए, इस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया गया। ये जो भाजपा की जो एक आईटी है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक डिपार्टमेंट बना है, उसका काम है कि वो तुरंत पूरे देश में अपने इस समाचार को अपने आदमियों तक भेज दे कि वो इस माहौल को खराब करें, उसमें अंदर घुस करके और माहौल को बिगाड़े। ये काम इस तरह का भाजपा की जो आईटी सेल वो करती है। आजकल उसका प्रशांत कुमार हेड बना हुआ है। उसका काम है कि देश में उधमबाजी करवाना, और उस उधमबाजी के अंतर्गत ये चाहते हैं कि देश में उधमबाजी रहे, जो लोगों की समस्याएं हैं, आम जनता की समस्याएं हैं, उनकी तरफ लोगों का ध्यान न जा करके ये उधमबाजी पर जो क्रियाकलाप करते हैं उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। जो 2 अप्रैल को हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया, भारत बंद का आह्वान किया, वो कारण था कि पिछले काफ़ी लंबे समय से हमारे लोगों की साथ बड़ी जुलम जास्ती चल रही थी। जैसे आरक्षण बिल का मामला बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ है, इस तरह से हमारे सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल डेवलपमेंट की जो दिक्कतें थी, जो खिलाफ पर खिलाफ ऑर्डर पास किए जा रहे थे, उससे होते होते लोगों में बहुत ही गुस्सा चल रहा था। उस गुस्से के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक हमारे एट्रोसिटी एक्ट 1989 को डाइल्यूट कर ही नहीं किया, लगभग समाप्त किया, जिसके कारण लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया, और उस भारत बंद के आह्वान किसी नेता के कहने पे नहीं हुआ, किसी संस्था के कहने पे नहीं हुआ, वो आह्वान एक आम जनता की आवाज़ थी जो पूरे देश में गूंज उठी। भारत बंद के अनुसार पूरा देश में जो गुस्सा था वो फूट पड़ा, और चारों तरफ से लोग सड़कों पे निकल आए। दिल्ली में भी यहाँ हमारा बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें हमारे साथी के पी चौधरी जी उसके इंचार्ज थे, और पार्लियामेंट स्ट्रीट के ऊपर हजारों हजार आदमी आकर के अपना रोष प्रकट किया, ये सबको मालूम है। लेकिन कई जगह जहाँ गलत एलिमेंट जो गुंडे बदमाश घुसे, वहाँ पर आगजनी हुई, वहाँ पर ही मार धाड़ गोलियाँ चली। जो राजा चौहान बीच में घुसा, ऐसे और बहुत से लोग थे, लेकिन मौके पर वही पकड़ा गया। वो रिवॉल्वर अपने हाथ में लेकर लहराता हुआ मिला, और उसने एट द स्पॉट गोलियाँ चला करके हमारे 3 आदमियों को गोली से मारा। वो गोली के मारने वाले को जो यहाँ की कॉन्स्पिरेसी है वो हुई, और उसके ऊपर 300 धारा नहीं लगाई गई, जबकि उसको मौके पर ही पकड़ा गया। ये इस देश की जो व्यवस्था है, उसमें जो भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, उसने इंसाफ ना करते हुए नाइंसाफी की, इसी की वजह से पूरे देश में पूरा कोहराम मचा, ये सब जानते हैं। और जो हमारे नौजवान थे, ये टारगेट बनाया था कि हम लोगों के खिलाफ इस देश का जनमत तैयार किया जाए, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया और ना संभव हो पाएगा। मेरा सिर्फ आज आपको लोगों को कहने का भाव ये है कि जो हम 8 तारीख को, जो रविवार को 8 तारीख को हम लोग दलित महापंचायत करने जा रहे हैं, उसमें हम लोगों ने पूरे देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग है सबको बुलाया है, सब लोग इसमें शिरकत करेंगे। ये विट्ठल भाई पटेल हाउस रफी मार्ग पर आयोजन होगा, इसमें पूरे देश के लोग आएंगे, और वहाँ पर सारी पंचायत में फैसला लिया जाएगा कि
हमारे केस कैसे विड्रा हो। हमारी मांग है सरकार से, हमने ऑलरेडी उनको मेमोरेंडम दे रखा है, अभी भी हम उनको मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, और यदि उन्होंने तुरंत 31 जुलाई तक हमारे केस विड्रा नहीं किए पूरे देश में, ये सरकार भाजपा की है, सभी राज्यों में लगभग सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हम लोग देश के प्रधानमंत्री से, यहाँ की भारत सरकार से ये मांग करने वाले हैं कि आप हरियाणा में लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए, तोड़ फोड़ आरक्षण के खिलाफ बहुत कुछ हुआ, ऐसा ही राजस्थान में हुआ, पटरियाँ उखाड़ी गई, महीनों महीनों तक रेल प्रतिबंधित रही, उसका ये असर हुआ कि काफी हजारों करोड़ रुपए का देश की संपत्ति को नुकसान हुआ, फिर भी उनके, और जम्मू कश्मीर में भी जो पत्थरबाजों का नाम लेकर के इन्होंने केस रजिस्टर कर रखे थे, उन लोगों के भी विड्रा के मुकदमे। तो हम लोग भी इस देश के वासी हैं, हमने भी इस देश में जन्म लिया है, हमारे भी इस देश में बराबर की हिस्सेदारी है, बराबर का हक है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि जो झूठे मुकदमे और होनहार नौजवानों को बंद किया हुआ है, उनके तुरंत मुकदमे वापस ले, और वापस लेके उन सारे नौजवानों को रिहा करें। आगे से जो हमारे ऊपर इस तरह की कार्रवाई की गई है वो सारी विड्रा हो, चार साल के अंदर हमारे लोगों के ऊपर बहुत जुल्म ज्यादती हुई है, हमने ये सब नोट किया है। हम लोग अभी तक, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग अभी तक अपने डिफेंसिव मूड में रहते रहे हैं, हमने कभी ऑफेंसिव मूड में नहीं आए हैं, हमारे साथ जो जुल्म ज्यादती हुई है हम उसको बर्दाश्त करते आए हैं। हम ये बता देना चाहते हैं इस देश के सरकारों को और देश को कि हम लोग अब डिफेंसिव मूड में नहीं रह करके ऑफेंसिव मूड में रहेंगे। हम उन लोग जो मुट्ठी भर लोग हैं जो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके हम लोगों को कुचलना चाहते हैं, हम लोग उनको बता देना चाहते हैं कि वो समय अब चला गया, हम मर सकते हैं, कट सकते हैं, लेकिन झुकने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। हमें इस देश में बराबर की हिस्सेदारी चाहिए, जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है वो बंद होनी चाहिए। यदि ये लोग हमारे साथ हो रही नाइंसाफी को बंद नहीं करेंगे तो हम इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे और सड़कों पे लड़ेंगे, लेकिन जो मुट्ठी भर लोग हम लोगों को दबा करके ये कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को हम इस देश से ख़त्म कर देंगे, वो इनकी भूल है। हजारों हजार साल से ये कोशिश होती रही है, लेकिन इस देश का दलित गांव से भाग रहा, सदियों से इस समाज को मुख्य धारा में नहीं आने दिया, आज हम लोग इस देश में हैं और हम मुख्य धारा में नहीं हैं तो हम जरूर किनारे पे हैं। हम लोगों को कोई ये कह करके निकाल दे कि हम लोग इस देश में नहीं है या किस तरह का हमारा हक नहीं है, हम इस देश के सभी सरकारों को और सभी देशवासियों को बताना चाहते हैं कि हमारी संख्या बल किसी भी तरह कम नहीं है। अभी जो ये व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था में सभी लोग परेशान हैं, ऐसी व्यवस्था में आज इन दलित महापंचायत में हमारे पिछड़ी जाति के भाई भी आएंगे, हमारे मुस्लिम भाई भी आएंगे, जो दूसरे माइनॉरिटी के भाई हैं, चाहे सिख हैं या मुस्लिम भाई हैं या क्रिश्चियन भाई हैं, वो सब लोग इसमें शिरकत करेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। ये लड़ाई अब सिर्फ ये शुरूकास्ट की नहीं रह गई है, शुरूकास्ट की नहीं रह गई है, ये लड़ाई अब सब लोग हम मिलकर के लड़ेंगे। लेकिन हम लोग फिर भी ये इस देश को चेता देना चाहते हैं, चेतावनी तो नहीं कहिए, हम इस लोग को समझाना चाहते हैं कि जो मुट्ठी भर लोग हैं ये लोग अपनी हद में रहें, जो बाहर निकलेंगे तो नुकसान होगा, यदि ये लोग अपनी हद से बाहर निकलेंगे तो नुकसान हमारा तो क्या होगा, हमारे पास क्या है जो जाएगा, हम हजारों साल से मरते कटते गिरते आए हैं, फिर भी हम लोग आज जिंदा है और इस देश में अच्छी संख्या में जिंदा है, और हमें आज इस देश में देश के जो माइनॉरिटीज लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, जो हमारे क्रिश्चियन लोग हैं, जो हमारे पिछड़े जाति के लोग हैं, उनका समर्थन मिल रहा है, जो लोग इन्होंने पाल रखे थे, जो लोग आरएसएस में हैं, जो लोग दलित हैं या पिछड़े हैं, उन लोगों को भी अब पता लग गया है कि ये
ये जो आरएसएस है वो सिवाय झगड़े फिसाद या इस देश को बर्बाद करने के लिए तुली हुई है। हम वे लोग उनका पार्ट नहीं रहेंगे। हम लोगों ने उन लोगों से भी आग्रह किया है कि आरएस के चंगुल से बाहर निकल के आए, क्योंकि ये आरएसएस किसी के हित की संस्था नहीं है। ये इस देश में दंगे फिसाद करने वाली संस्था है, ये इस देश को सर्वनाश करने वाली संस्था है, ये इस देश को पीछे ले जाने वाली संस्था है। हम लोग चाहते हैं ये देश आगे बढ़े, ये सबका देश है, ये देश इम्पार्शियली रूप से काम करना चाहिए। संस्था को चाहिए कि वो सब लोग इस देश के कर्णधारों को चाहिए कि सबके साथ इंसाफ हो, कोई जाति धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। इस देश में सभी का हक है। इस देश को हमें आगे ले जाना है, वर्ल्ड में इसको विकासशील देश बनना है। विकसित देश तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कम से कम विकासशील बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि इस देश को इम्पार्शियल चलाए। मैं स्पेशली जो हमारे साथ हमारे सुप्रीम काउंसिल के जो अध्यक्ष है भाई रतन सिंह जी हमारे बीच में है, जनरल सेक्रेटरी हमारे डीसी कपिल जी हमारे बीच में है, केपी चौधरी हमारे सबसे बड़े मैनेजर है बीच में है, राजेंद्र कुरील जी हैं हमारे, मीणा भाई सोन ट्राइब से हैं हमारे, हरि सिंह मीणा जी बीच में, हमारे सब और साथी आए हुए हैं, कटारिया जी भी हैं सब है। तो मैं आप सब लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि देश आगे बढ़ना चाहिए। देश बहुत बड़ी चीज है, और हम लोगों को क्योंकि बहुत हजारों साल से हम पिछड़े रहे हैं, हम लोगों के साथ जुल्म जाती हुई है, ये जुल्म जाती बंद होनी चाहिए। और मैं अपने समाज को ये हिदायत देता हूँ, ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अब वो डिफेंसिव मूड में ना रहे, क्योंकि ना तो अदालतें आपकी हैं, ना दूसरा समाज आपका है। जो भी आप कहीं से आपको पुलिस प्रशासन हो या सरकार हो या अदालतें हो, ये देश में इंसाफ नहीं करती। और राजा भैया पे आप लगा ले, जो उनका अपना घर का आदमी है, जो आरएसएस का आदमी है, उसको 302 ना लगा करके दूसरी हल्की धाराओं में उसको बंद किया है, ये यहाँ का इंसाफ है। जबकि मौके से पकड़ के वहीं पुलिस को सुपरद किया गया, वहीं उसके साथ 302 ना धारा लगा करके उनको सस्ती धाराएं लगाई। तो मेरा आपने देश की जनता से भी आग्रह है कि पूरी शांति बनाए रखें। दलित पिछड़ा अक्लियत या सब लोग, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, वो सब लोग इकट्ठे होकर के रहें। और आपस में यदि इस तरह का कहीं वैमनस्य है, कोई किसी का दुराचार आपस में है, उसको घर पर बैठ के समझा लें। कहीं कोई भी आदमी पुलिस के पास ना जाए, कोई भी अदालत में ना जाए। इस देश में फिरका प्रस्ती चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में वही सब लोग जज बने हुए हैं जो इस देश के 1919 में जो सुप्रीम काउंसिल थी, 1919 में महान फैसला है कि ब्राह्मण का चरित्र न्यायप्रिय नहीं है, ये न्यायिक चरित्र वाला व्यक्ति नहीं है, इसको कभी भी जुडिशरी में नहीं लेना चाहिए। आज सारे मालिक वही बने हुए हैं, और वही सारे जितने फैसले देते हैं वो सारे दलितों के खिलाफ हैं, सारे के सारे फैसले। मेरे पास इसके एक नहीं 1000 प्रमाण हैं कि सारे फैसले दलितों के खिलाफ दिए हैं। वहाँ पर शक्ल देखते हैं वकील की, वो उसको हिसाब से फैसला देते हैं। जो यहाँ की व्यवस्था है, जुडिशरी है, तो जुडिशरी में हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व निल है, एक भी आदमी नहीं है। हमारे आज की तारीख में सब तरह के वकील मौजूद हैं, हमारे समाज में हर तरह के पढ़े लिखे मौजूद हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं दे रहे। आज आरक्षण का कुठाराघात हो रहा है, आरक्षण धीरे धीरे समाप्त कर दिया है, सब निजीकरण में हम लोग को हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है। जुडिशरी में कितने बार कहा, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, पास हुआ है, सारा है कि जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए तैयार नहीं है। जो कि सबका पूरा एग्जाम लो, ये एक ही जगह है, चपरासी हो या क्लर्क की भर्ती हो, उसको भी एग्जाम पास करके आना पड़ता है। यहाँ जुडिशियरी ऐसा है, ये तेरा भाई भतीजावाद, अपने रिश्तेदार जान पहचान वाले या सरकार जो मौजूद होती है, वो अपने आदमी को बैठा करके जज बनाती है, फिर उसे कहते हैं जज को जजमेंट दो। वो जजमेंट क्या देगा, वो तो जिस आकार ने उसको बनाया है उसकी उसकी उसके अनुसार
अपना डिसीजन देता है तो हम लोग को न्याय कैसे मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी मांग ये भी है कि जो भी अपॉइंटमेंट हो, जज का छोटे से लेके बड़े तक सभी का एग्जाम हो, और एग्जाम के बाद क्वालिफाई हो, क्वालिफाई होकर के जो लोग आए हमारा हिस्सेदारी हमारी आबादी के हिसाब से हो, जो भी सुन के आएंगे वो लोग जज बनेंगे, लेकिन उनका एग्जाम भी किसी कमीशन से जैसे यूपीएससी या किससे हो, या जो लॉ कॉलेज है उनके प्रिंसिपल या उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोल करके एग्जाम दे, वही रिजल्ट आउट करे, वही इंटरव्यू ले, वही सेलेक्ट करके ऊपर भेजे। हम लोग इन लोगों पे बेईमान लोगों पे कोई विश्वास नहीं है। जो जज है आज की तारीख में वे सारे लोग अपने आदमी को भरना चाहते हैं, आज सारा यही हो रहा है। सब सारे एग्जाम कोर्ट वर्ड से होने चाहिए, ये हमारी सोच है। इसलिए हमारी मांग है कि सबसे पहले हमारा आरक्षण पूरा हो, आगे के लिए आरक्षण बिल जो बना पड़ा है उसको लागू किया जाए। जहाँ जहाँ हमारा शेयर, हमें आरक्षण नहीं, हमें हिस्सेदारी चाहिए, हमें हर चीज में हर देश की हर संपदा से लेके हर जगह पर अपनी हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी नहीं देंगे तो हम समझते हैं कि बेईमान लोग हैं, और हम लोग अपने हिस्सेदारी के लिए संविधान के अंतर्गत जो अधिकार मिले हैं उनकी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और हम वो लड़ाई लड़ करके अपने अधिकार लेंगे। यदि नहीं हमें प्यार से देंगे तो हम लोग लाठी डंडे के हाथ से भी देंगे, चाहे उसका रिजल्ट जो भी हो, वो सरकार को देखना है कि हमें न्याय दे, हमारा हिस्सा दे। हमें किसी की धन दौलत किसी का नहीं चाहिए। जो लोग बहुत पीछे रह गए हैं उनके बारे में तुरंत नई नई योजना ला करके आगे उठाए। आज के समाज में आज की तारीख में करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको दो टाइम की रोटी मौसर नहीं है, तो ये किसकी जिम्मेवारी है? कारोबार रोजगार है नहीं, जमीन जायदाद है नहीं, वन थर्ड जमीन 30% जमीन इस समय देश में बेकार पड़ी है, उसमें बोने खाने का काम हो सकता है। जो लोग बिल्कुल भूमिहीन हैं उन लोगों को जगह देनी चाहिए। और ये बार बार ये आर्थिक आरक्षण की बात हो रही है कि आर्थिक आरक्षण करो, आर्थिक आरक्षण में हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें दिक्कत ये है पहले ब्राह्मणों में करो, पहले स्वर्ण समाज में करो, आर्थिक आरक्षण ना करो। एक कुछ चंद परिवारों के आदमी सबको मालिक बने बैठे हैं, सारा धन दौलत बढ़िया ब्राह्मण ठाकुर में सारे बड़े बड़े आदमी ले हुए, उनमें भी तो आर्थिक आरक्षण पहले लागू करो, तब कह सकते हो हमें पहले उसमें लागू करो, फिर हमें कहो कि भाई आपके यहाँ भी आर्थिक आरक्षण लागू होना चाहिए। हम लोग तैयार हैं। इसलिए हम लोग इससे ज़्यादा कुछ ना कहते हुए जो दलित महा पंचायत में बाकी फैसले होंगे वो सबके सामने आएंगे, और वो दलित पंचायत के फैसले हम लागू करा के रहेंगे। यदि नहीं लागू करेंगे तो जो संविधान के अंतर्गत हम लोगों को अधिकार दिए गए हैं हम सड़कों पर आएंगे, अपना हिस्सा लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम जय भारत। हमारा एक बात जो मेन बात है वो कि जो हमारी 8 जुलाई संडे को जो 5 दिन बकाया है, आप उसके लिए मैं आप लोगों के माध्यम से अपने दलित भाइयों से, पिछड़े भाइयों से, अभिजात के भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दलित महापंचायत में आए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, और जो अपने क्षेत्र की और अपनी सारी समस्याएं वो भी वहाँ डिस्कस करेंगे। हम लोग 2 अप्रैल के मुकदमे, 2 अप्रैल या उससे बाद के जो, बल्कि 4 सालों में जो मुकदमे दर्ज हुए उनको विड्रा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। वहाँ प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव पास होगा, प्रस्ताव पास होकर सरकार को भेजा जाएगा। इसलिए हम लोगों को पूरी भारी संख्या में पूरे जो इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग है वो पूरा का पूरा इस दलित महापंचायत में जरूर पहुँचे, ऐसा मेरा लोगों से आग्रह है। मेरे इस आग्रह को मानते हुए मैं निवेदन करूँगा कि जो भी हमारे समाज के लिए हित की बातें होंगी वो सब बातें आपके सामने वहाँ रखी जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम जय भारत। इसका कोई प्रेजेंट सेफ्टी या वो नहीं होगा, जो भी होगा इसका स्पीकर होगा, वो हर बार हर मीटिंग में हर उसमें बदलेगा, नया स्पीकर चुन करके उसमें मीटिंग बनाओ।
होगा, इसलिए कोई नया संगठन नहीं है। समाज की लड़ाई के लिए यदि नया संगठन बनाया बने तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे पास जुलम जास्ती होती है, तरह तरह की जगह जगह से होती है। एक ही संगठन सारा संभाल ले वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारी कोशिश है कि इस दलित महा पंचायत में सभी पूरे देश के सभी संगठनों को मिला करके एक नया मंच ये तैयार है, जिसमें से हम सरकार को चेतावनी दे सके, बता सके, और नहीं तो उसके जो परिणाम आने वाले हैं वो भी सरकार को चेता सके। ये हमारा मेन काम है। 2019 का चुनाव डिक्लेयर होने जा रहा है और 2019 की सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या ये संगठन जो 8 तारीख को जो आपने बुलाया है दलित महापंचायत, क्या ये राजनीतिक तौर पे देखा जाएगा या ये दलितों के उद्धार के, सामाजिक उद्धार के लिए बुलाया गया? ये जो संगठन है ये बिल्कुल प्योरली सामाजिक संगठन है, राजनीति से किसी का कोई मतलब नहीं है। वो पार्टियां, इसमें तो हजारों पार्टियां यहाँ काम करती है, हमारा किसी भी पार्टी से कोई लगाव नहीं है, और हमने किसी भी पार्टी के पदाधिकारियों को या किसी भी सांसदों को नहीं बुलाया है। एज ए समाज के वर्कर, यदि कोई सांसद एज ए समाज का व्यक्ति होने के नाते वो हमारे इसमें भाग लेगा, हम उसका स्वागत करेंगे। यदि वो कोई भी आदमी आकर के यहाँ पार्टी साथ लाएगा तो हम उसको बात नहीं करेंगे। हमने रिक्वेस्ट किया कि पार्टी घर छोड़ गए, कोई भी दल का पदाधिकारी हो या कोई भी सांसद एमपी एमएलए हो, वो अपना पद वहीं छोड़ गए, यहाँ सामाजिक रूप में समाज की हैसियत के हिसाब से वो आए, हम उसका स्वागत करेंगे और उसकी बात भी सुनेंगे और उसके सामने हम अपनी जो भी बातें हैं समस्या भी रखेंगे। तो हम लोग समाज की हैसियत से सब लोगों को आमंत्रित साहब, इस घटना को 3 महीने हो गए और अभी भी हमारे जो साथी है अभी जेल में बंद है, तो उनके लिए क्या प्रयास है? उन्हीं के लिए दलित महापंचायत बुलाई गई है। हम लोग उस दिन फैसला लेंगे कि आगे हमें करना क्या है। हम लोग 30 जुलाई तक का प्रपोजल है, ये हमारा 30 जुलाई तक का टाइम देंगे, नहीं तो हम 15 अगस्त को दिल्ली जाम करेंगे, या जो फैसला लेगा यहाँ से जेल भरो आंदोलन, यदि पंचायत फैसला लेती है जेल भरेंगे यहाँ पर लाखों आदमी इसमें करेंगे, या पूरे देश के आदमियों को हम 50 लाख आदमी दिल्ली में बुलाने की कोशिश करेंगे, चाहे और 2 लाख 5 लाख 10 लाख, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि 50 लाख आदमी बाहर से आए और दिल्ली में दलित समाज का यहाँ पूरा ये दिखाई दे, वर्चस्व दिखाई दे कि दलित समाज भरा नहीं है, जिंदी कौम है। हम ये बता देंगे सरकार को, हम जिंदा है, मरे नहीं है, हम अपना अधिकार अब मिलेगा नहीं, हम छीनेंगे और इन लोगों से छीनेंगे जो लोग अकड़ के बैठे हैं। मुट्ठी भर लोगों ने ये समझ लिया है कि देश हमारा है, पुलिस प्रशासन की जरूरत है, पर सब जगह हमारे भी आदमी हैं। हम लोग अपने हिस्सेदारी को किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए ये दलित महापंचायत बुलाई गई है। इसमें बड़ा फैसला होगा और चाहे हमें कितना भी कठोर से कठोर कदम उठाने पड़े हम उठाएंगे, लेकिन जो 2 अप्रैल की घटना में जो हमारे लोग बंद किए गए हैं उनके मुकदमे वापस करा के रहेंगे, चाहे गवर्नमेंट किसी भी ताकत लगाए, हम लोग भी अपनी ताकत लगाएंगे। हम भी इस देश में कम नहीं है, इस देश में जोर अजमा इसका समय आ गया है, हम लोग चाहे हमारे 1000 आदमियों की कुर्बानी लिए हम लोग। सम्मानित मंच से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपके जो प्रतिनिधि 1952 से 100% आज तक चुनकर पार्लियामेंट में जा रहे हैं और आपका 4% 4.5% से रिजर्वेशन नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिली, वो 100% जा रहे हैं, तो उनके ऊपर उंगली उठाएंगे नहीं क्या? उनसे पूछेंगे नहीं कि आप यहाँ रिप्रेजेंटेशन जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट का आप किस आधार पर किस हैसियत से, कितने लोगों ने वहाँ सवाल उठाए हैं? आज जो एट्रोसिटीज हिंदुस्तान में भारत में SC ST के खिलाफ हो रही है, तो क्या इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है? इस पर आपकी क्या राय है, इसको जरा स्पष्ट कीजिए। बाबा साहब ने जो पॉलिटिकल आरक्षण का प्रावधान किया था वो इसलिए किया था कि जो लोग हमारे समाज के जीत के जाएंगे वो हमारे समाज की बात उठाएंगे और वो बराबर हमारी लड़ाई लड़ेंगे हाउस में, लेकिन यदि समाज में भड़वे पैदा हो जाए और भड़वापन करने लगे और उन लोगों को समझे कि नौकरी लगे तो पॉलिटिकल इसमें हम लोग तैयार कर रहे हैं ऐसे भड़वों के लिए, आगे के रास्ते बंद करेंगे और जो लोग समाज के अच्छे कार्यकर्ता जो ट्रेनिंग लिए हुए आदमी होंगे हम लोग तो हाउस में भेजेंगे। बाबा साहब ने तो प्रावधान कर दिया, लेकिन यदि उसमें गलत आदमी चल जाते हैं, इसमें कुछ खामियां हैं, जैसे
आपको शायद नहीं मालूम, इसमें पहला दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ हुआ है, ये पार्टी से चुनाव लड़े। ये पार्टी से चुनाव क्यों लड़े? हमारे जितने आदमी जाने वो चुनाव लड़ेंगे, वो सब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने चाहिए, उसमें किसी पार्टी का कोई इनरोलमेंट नहीं हो और कोई पार्टी के अंडर हमारा कोई एमपी नहीं होना चाहिए, कोई सांसद या एमएलए कोई भी हो वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं होना चाहिए। वो जब भी पॉजिटिव सवाल आएगा, समाज के हित की बात आए, उसको वोट करो, जो उसके खिलाफ है गदा करो। लेकिन इन लोगों ने बदल करके संविधान में ये अमेंडमेंट ला दिया कि वो पार्टी के अंदर चलेगा, कभी व्हिप जारी होता है, कल को कोई व्हिप जारी होगा तो और हमारा कहें भाई इनका आरक्षण खत्म करो तो ये तो सारे वोट डाल देंगे, क्योंकि इनके ऊपर तो व्हिप लागू हो गया और इन्हें अपनी नौकरी प्यारी है, ये कितना विरोध कर पाएंगे हमें शक है। लेकिन जो हालात इस समय बने हुए हैं वो बहुत खतरनाक है। जितने सांसद गए हैं वो सब के सब भड़वे टाइप के हैं। मान लिया बीजेपी में बीजेपी का राज है, लेकिन कांग्रेस वाले को तो किसी ने मना नहीं किया, कम्युनिस्ट वाले जो चुप गए एमपी उनको तो मना नहीं किया, वो भी लोग नहीं बोलते। तो हमारा तो ये कहना है ये सारे ही भड़वे हैं, इसलिए हमें इनको घेरना और इनके जूते बजाने का काम, इनका मुंह काला करने का काम अब हमें करना चाहिए, तभी जाकर के होगा। और आगे से हम लोगों को ये कहेंगे इसमें अमेंडमेंट हो। हमारा आदमी जो बाबा साहब ने संविधान बनाया था कि वो लोग सब इंडिपेंडेंट होंगे, तो सारे आदमी हमारे सांसद इंडिपेंडेंट होने चाहिए पार्लियामेंट हाउस में भी बोलने के लिए, किसी से जैसे वहाँ देते हैं परमिशन, उनका पार्टी का भी वो होता है और पार्टी वाला ही बोलने देगा, बाकी का कोई बोल ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग इसका भी विरोध करते हैं। हमारा आदमी खुला, हमारे 131 आदमी जाने, 131 आदमी जाने चाहिए, उसमें किसी किस्म का कोई रुकावट नहीं हो और किसी पार्टी का तकमा नहीं लगा हो, किसी पार्टी का खरीदा हुआ आदमी नहीं होना चाहिए। एक तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे रहा है, दूसरा तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में क्यों आप इस चीज़ के बारे में ये नहीं कर रहे? ये बात आपकी सही है, लेकिन पब्लिक लिटिगेशन अंधे के आगे रोने से क्या मिलेगा? ठीक है, सारे लोग वही एक जात के बैठे हैं, उन लोगों से न्याय की बात करें। जो लोग जुलम जाती करते और करवाते हैं उन लोगों से न्याय की बात करें। सारे बेईमान भ्रष्ट आदमी बैठे हुए हैं। एक कर्णन के मामले में आपने देखा, उसने कहा ये भ्रष्ट आदमियों की लाइन है, चिट्ठी है, ये भ्रष्ट है, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या हुआ? सारे भ्रष्ट आदमियों ने मिलके कर्णन को जेल भेज दिया। ये इस देश की व्यवस्था है। तो यहाँ इस देश के बेईमान भ्रष्ट जज जब खुद बैठे हो उनका क्या इलाज? कर्णन को भेज दिया। चार जजों ने उठ करके कहा कि लोकतंत्र को खतरा है, पब्लिकली मीटिंग जज नहीं कर सकते, मीटिंग हुई, वो उनके ऊपर कोई चार्ज लगा क्योंकि वे सब ब्राह्मण या दूसरे समाज के थे। कर्णन क्योंकि शुभकाज का था उसने जेल ठोक दिया। इन्हीं लोगों में चार के खिलाफ भी तो बढ़ाते ना मुकदमा। उन्होंने कहा लोकतंत्र को खतरा है, उन्होंने ऐसे नहीं कहा, उन्होंने सारे जजों के साथ इकट्ठे बैठ के ये सब देख लिया कि बेईमान भ्रष्ट हो गए, ये कोई न्याय नहीं करते, ये आदमी की शक्ल देख करके करते हैं, वकील की शक्ल देख के फैसला होता है। तो क्या करेंगे? ये देश तो आज भी मरा कल भी मरा। इस देश में तो जब तक ईमानदार लोगों की सरकारें नहीं आएंगी इस देश की व्यवस्था नहीं पड़ेगी। जब तक इस देश में अंधविश्वास रहेगा, पाखंडवाद रहेगा, झूठी बातें, आप देखिए 11 बच्चे आज 11 परिवार मर गए, तो ये अंधविश्वास का कारण है। सारा अंधविश्वास इस तरह भरा पड़ा है, फिर भी इनको अकल नहीं आती, या तो गाय की पूछ पकड़े घूम रहे हैं, क्या करें? भगवान ये तो सवाल है कि आपने अंधविश्वास का मुद्दा उठाया, क्या जिस तरह से बीजेपी को भी दलित समाज के लोग वोट देते हैं, मुसलमानों को लगता है कि हिंदू के नाम पर हमारी मुसलमान मुस्लिम धर्म के नाम पर मेरी हत्या हो रही है, तो क्या बाबा साहब की तरह आप भी आप लोगों से अपील करेंगे कि आप बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलते बुद्धिस्ट बनिए, हिंदू धर्म को छोड़िए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस तरह से अपने पूरे समाज में कहूँगा कि जो भगवान बुद्ध का बनाया हुआ रास्ता है, जिसमें सत्यता है, ईमानदारी है, ढोंग ढपाक नहीं है, जिसमें पाखंडवाद नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, हमारे आदमियों को तुरंत ये छोड़ देना चाहिए, पाखंडवाद और हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए, हम लोगों को बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए, उनके संस्कार अपनाने चाहिए, तभी हम लोगों का उद्धार हो सकता है। ये झूठ तूफान कर, ये पाखंडवाद धर्म अंधविश्वास इनके भरोसे छोड़ दो, इनको करने दो जो करना है, लेकिन हमारे लोगों को इससे बाहर निकल जाना चाहिए और भगवान बुद्ध के बताए गए रास्ते के अनुसार उनको चलना चाहिए। 8 तारीख का जो प्रोग्राम है उसमें ये मुद्दा रखा जाएगा क्या?
प्रस्ताव आएगा लोगों की जनता की तरफ से तो बिल्कुल रखा जाएगा। आप अपने तरफ से बैठ जो कमेटी है जो नहीं वो हम 4 तारीख को 4 तारीख को प्रस्ताव हमारे बन रहे हैं उसमें हम जो रूल उसमें रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये भी हो। ये तो पहला मुद्दा है ही हमारा शुरू से चल रहा है कि हम लोगों को अंधविश्वास बाहर निकलना है, हमें हिंदू धर्म को तिलांजलि देनी है। ये कोई धर्म नहीं है, ये तो बदमाशी का एक बदमाशों का बढ़ाया हुआ एक पाखंडवाद है। इसमें है क्या, इसमें कुछ भी नहीं है। हिंदू कौन हिंदू है, गाय खाने वाले हिंदू, ना खाने वाले हिंदू, मीट पर सब खाने वाले हिंदू, शराब पीने वाले हिंदू, ना पीने वाले हिंदू, मंदिर जाने वाले हिंदू, ना जाने वाले हिंदू की कोई परिभाषा है? हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं है, ये सब बकवास है, सब झूठे। हिंदू हिंदू क्या हिंदू होता है, हिंदू का कोई परिभाषा तो बढ़ाओ, उसके नियम कानून तो बढ़ाओ। उसमें हिंदू ये है कि दलित को बेचो को मार, दलित को मारो और तुम लोग मौज करो, ये हिंदू धर्म है? हिंदू धर्म है तो हम लोग को जब हमें हिंदू मानते हैं तो हमारे बराबर स्कूल में क्यों नहीं बैठने देते, हमारे बराबर के अधिकार क्यों नहीं देते, हमें पढ़ने क्यों नहीं देते अपने स्कूलों में, हम लोगों को पानी क्यों नहीं पीने देते अपने घड़े में? तो ये सब क्या है, ये हिंदू धर्म नहीं है। एक आदमी हिंदू है वो हिंदू जो सारी मौज उड़ाए, दूसरा हिंदू है जो सड़कों में घूमे, ये भाई को भाई काटे, ये कहाँ का हिंदू है? इसलिए हम लोग को हिंदू धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। हम लोगों ने लोगों से आग्रह किया है, करते रहते हैं कि सब लोग इस हिंदू धर्म की मायाजाल से बाहर निकलो, ये कोई धर्म ही नहीं है, ये तो पाखंडियों का बनाया हुआ एक मायाजाल है, इससे बाहर निकलो। आप कहीं अब जैसे इन्होंने कह दिया वो सूट लगा दिया, अभी महाराष्ट्र में होली तैयार है, वो सूट लगा दिया, गर्दन काट दी, हाउ इज इट पॉसिबल? बाबा भगवान बुद्ध ने कहा है कि दिमाग से सोचो ये क्या सही है कि गलत है, ये सब लोग सोचने को। हम अपने लोग का हमारा आदमी इस अंधविश्वास से ज्यादातर संख्या में बाहर आ चुका है, अब इस अंधविश्वास में इनके हिंदुओं के साथ नहीं है, किसी भी तरह नहीं है, हम इनकी बात कोई भी मानने को तैयार नहीं है। हम लोग भगवान बुद्ध के रास्ते पे चल के इस देश को एक सुंदर अच्छा बढ़िया देश बनाना चाहते हैं।